हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी था। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज का दिन आपके लिए कितने नए चैलेंज लेकर आया है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस लेकर आया है। तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया, कितना प्रॉफिट लेकर आया है और क्या सावधानी आपको बरतनी है, कितनी सतर्कता आज आपको बरतनी है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मशहूर टैरो कार्ड रीडर रंजना राणा जी, जो कि हमें बताएंगे इन तमाम बातें। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। मैम, हमारे दर्शकों को आज का सुविचार बताइए। आज का सुविचार है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। इसी तरह जिस व्यक्ति में भी धैर्य और कठिन तपस्या और परिश्रम करने की आदत हो, वही व्यक्ति इस संसार को प्रकाशित कर सकता है। एक बेहद खूबसूरत सुविचार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इंसान के भीतर धैर्य होना चाहिए, धैर्य है तो वो कितनी ही बड़ी मुसीबत हो उसको आसानी से लांग सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं मूलांक के हिसाब से। मैम, सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की। नंबर एक के जातकों के लिए आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आए, कार्ड क्या बता रहे हैं उनके लिए। नंबर एक के जातकों के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इनके माइंड में। कोई ना कोई जो इनको एक आज डिसीजन लेनी है, कोई ना कोई इनको जो अपने फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजन लेनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इनको यही सजेशन देते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप एकांत में मेडिटेशन कीजिए, 21 दफ़ा ओम का उच्चारण कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे वो एकदम आपके लिए सही रहेगी। इससे घबराइए नहीं और ज्यादा कंफ्यूजन में और सोचने में अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। आप जल्दी वही कीजिए जो हमने आपको सजेशन दिया है, फिर आप देखते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप फाइनल डिसीजन आज आप जरूर ले लें। इसके साथ साथ आपका रंग भी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा है, वो है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। शिव चालीसा का पाठ आज आप अवश्य कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो नंबर एक के जातक किसी कंफ्यूजन में लग रहे हैं, किसी निर्णय को वो लेना पुचार रहे हैं, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो आत्मबल है वो इतना सशक्त नहीं है कि वो अपने निर्णय को अंतिम निर्णय मान सके, यानी कि लगातार वो कंफ्यूजन में चल रहे हैं। बस छोटा सा उपाय आपको बताइए, ये उपाय आपको करना है और फिर उसके बाद आप अपने निर्णय में भी सहजता महसूस करेंगे और आप बड़े कंफर्टेबल होकर उस डिसीजन का जो है मेकिंग करेंगे या फिर डिसीजन मेकिंग आप खुद ही करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी आपकी समस्या है वो आप जान सकते हैं। हमारे साथ मशहूर टैरो कार्ड रीडर रंजना राणा जी जुड़ी हुई हैं जो आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर भी देंगी और आपकी समस्या का ज्योतिष आधार पर समाधान भी बताएंगी। अगले नंबर की ओर बढ़ रहे थे मैं, नंबर 2 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 2 के जातक हम देखते हैं कि इनको कहीं ना कहीं यात्रा करनी है और उसके लिए थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिस करके ये सोच रहे हैं कि वैसे कि वो यात्रा करें या ना करें, मगर यात्रा करना इनके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, इसलिए ये डिसीजन तो इनको ले लेनी चाहिए। और यात्रा के दौरान इनको क्या क्या अपना सामान ले जाना है और क्या क्या इनको अपनी प्लानिंग्स करनी है, इसके लिए आप अपना समय व्यतीत कीजिए क्योंकि यात्रा तो आपको करनी ही पड़ेगी। और यात्रा करने के बाद वहां से जो भी आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, इससे अपनी घबराहट छोड़िए, पॉजिटिव होइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। और यात्रा करने से पहले घर से जब आप निकलें, आप थोड़ा सा अगर गुड़ खा के निकलेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, इसलिए घबराइए नहीं और अपनी प्लानिंग करके आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। आपका रंग बहुत बढ़िया है, वो है लाल रंग और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। तो नंबर 2 के जातकों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा करने से पहले जरा भी ना सोचे, तमाम तैयारियां कर ले, यात्रा का एक अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। इसी बीच कॉलर रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कार्यक्रम में आप जुड़ गए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपके, क्या समस्या है आपकी।
रवि आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नवीन नवीन अमर नवीन जी, नवीन बताइए, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका और क्या समस्या है आपकी। मैम मैं जो भी काम करता हूँ बीच में रुकावट आ जाती है, कोई काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ वो भी रुक जाता है। जन्मतिथि बताइए अपनी नवीन। 1 जून 1988। 1 जून 1988। प्रश्न है कि मैम ये कुछ काम करना चाह रही, नए बिजनेस जो है कोई ना कोई बाधा आ जाती है, इनका काम जो है शुरू नहीं हो पाता है। हम देखते हैं नवीन जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो छोटी सी जो प्रॉब्लम है वो हम आपको बताना चाहते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आप मेहनती हैं, आपकी सोच जो है बहुत ही क्लियर सोच है, मगर आपको खाली हर चीज में जल्दी जल्दी रहती है कि जल्दी से सारे काम हो जाएं। आपको जैसे हमने आज के विचार में बताया है कि सूर्य भी धीरे धीरे उदय होता है, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, मगर थोड़ा सा अपने अंदर आप संयम लेके आइए। अगर आप संयम रखेंगे और जो आपके अंदर दृढ़ निश्चय है और बहुत ज्यादा आप कामकाजी हैं, आप करना शुरू कीजिए, आपके किसी भी काम में रुकावट बिल्कुल नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि रोज बाजरा और चीनी का अपदान चिड़ियों और चींटियों को अवश्य कीजिए और हर शनिवार वाले दिन आप काली उड़द का दान किसी भी जरूरतमंद को जरूर कीजिए, फिर आप देखिए आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो नवीन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और कहा भी गया है धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होई। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जो भी कार्य करना चाहिए ईश्वर आपको उसमें समृद्धि दे। इस बीच कॉलर जितेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जितेंद्र आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका, क्या समस्या है आपकी। डेट ऑफ बर्थ 10/1994 जी, 10 जनवरी 1994 जी, 10 जनवरी 1994 आपका जन्मतिथि है और प्रश्न क्या है आपका, क्या समस्या है जितेंद्र? सर्विस के लिए जी, तो आप सर्विस के लिए पूछ रहे हैं, क्या वो सरकारी मिलेगी या फिर प्राइवेट मिलेगी? जी जी, तो प्रश्न है मैम इनका, ये अपनी जॉब के लिए जानना चाह रहे हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि इनको सरकारी नौकरी अवश्य मिल सकती है और ये भी बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत क्लियर माइंड है इनका और बिल्कुल भी हार्डवर्क या मेहनत करने से ये बिल्कुल भी नहीं घबराते, मगर इनका एक जो काम है जिससे कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एक जो ग्रह है जो हमेशा इनको नीचे ले आता है और वो है केतु, और इसके लिए हम आपको सजेशन यही देना चाहते हैं कि हर मंगलवार वाले दिन कोई भी गुड़ से बनी हुई वस्तु आप किसी भी अपंग को देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर के पास कोई तालाब है तो वहां पर मछलियों को भी अगर आप खिलाने लग जाएंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सूर्य को जल भी रोज दीजिए, फिर आप देखिए जितेंद्र जी आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी और आपके मन में जो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये भी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो जितेंद्र ये छोटा सा उपाय आपको करना है, इसके बाद आपकी सरकारी नौकरी भी मिलने वाली, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका दिन भी अच्छा हो, आपका वक्त भी अच्छा है, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं जो कि 3 है। मैं मूलांक 3 के जातकों के लिए आज का क्या कह रहे हैं? मूलांक 3 के जातक हम देखते हैं कि काफी दिन से एक परेशानी आ रही है इनकी जिंदगी में, छोटे छोटे काम है इनके रुकते चले जाते हैं, हर टाइम कोई एक छोटी सी ऐसी बात आ जाती है जिससे कि इनको पीछे हटना पड़ता है। उसके लिए हम आपको सजेशन यही देना चाहते हैं कि हर मंगलवार और हर शनिवार पेठे जो कि मिठाई वाला पेठा होता है उसके ऊपर पानी का तिलक लगाएं और 2 और 6 बजे के बीच में आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। ये प्रक्रिया आपको 11 मंगलवार और 11 शनिवार करनी पड़ेगी और आप जिस दिन से स्टार्ट करेंगे उसी दिन से धीरे धीरे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी। इससे घबराइए नहीं, आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, इसलिए उस दिन का इंतजार कीजिए और अपनी मेहनत बरकरार रखिए। आपका जो रंग है वो है सफेद और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। तो नंबर 3 के जातकों के कामों में लगातार रुकावट आ रही है, वो कोई काम करना चाह रहे लेकिन वो काम जो है पूरा ही नहीं हो पा रहा। बस आपको छोटा सा उपाय बताया, वो उपाय आपको करना, उसके बाद आपके काम भी अच्छे होंगे, वो भी अपनी प्रगति पकड़ेंगे। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं जो है 5 में काच, नंबर 5 के जातकों के लिए आज क्या लेकर आए? 4 जी, 4 नंबर के जातक हम देखते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, कठिनाई से गुजर चुके हैं, अब जितने भी इनके कठिनाई के दिन थे वो खत्म हो गए हैं और आगे चलकर हम देखते हैं इनको बहुत ही अच्छी ऐसी कोई न्यूज मिलने वाली है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, इनके कार्य से रिलेटेड हो या इनको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, इनको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं से बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनको अपने संतान पक्ष से भी बहुत ही अच्छी कोई न्यूज मिलने वाली है, इससे हम देखते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा।
इनका रंग भी बहुत सुंदर है, वो है हरा रंग, और इनका जो अंक है वो है नंबर 5। आज अगर आप सब्जी का दान करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो नंबर 4 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खुशी से भरा रहने वाला है। आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, वो आपके परिवार के पक्ष की ओर से हो सकती है, आपके व्यवसाय की ओर से हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए एक नई जोत लेकर आया है, नई समृद्धि और नया विकास लेकर आया है। अगले अंक की ओर बढ़ते हैं जो है नंबर 5 के जातकों के लिए आज का आज क्या कह रहे हैं। नंबर 5 के जातक हम देखते हैं, इनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर तरफ से इनको प्यार और इज्जत मिलने वाली है और इनको अपनी एक नई जिंदगी की ओर ये अब अग्रसर करेंगे, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इनको बिल्कुल भी सोचने या अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा सुखमय इनके लिए रहने वाले हैं। मगर इनको एक हम बताने चाहते हैं एक बात कि बहुत ज़रूरी है ये थोड़ा सा मेडिटेशन करें रोज सुबह और शाम। अगर ये 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो इनसे इनके मन में जो एक थोड़ा सा उतावलापन है या टेंशन है या प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और इनको जो शांति मिलेगी उससे इनको जो भी ये कार्य करेंगे इससे उसमें इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनका रंग जो है वो है ग्रे और इनका जो अंक है वो है नंबर 8। आज अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप अगर एक छतरी का दान करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो नंबर 5 के जातकों के लिए आज का दिन उनके लिए काफी कुछ खास लेकर आया। अब जो भी काम करना चाह रहे वो काम भी आज आपके पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं जो है 6। मैम नंबर 6 के जातकों के लिए आज कार्ड्स क्या बता रहे हैं। नंबर 6 के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं और ये दिखाई दे रहा है कि इनको अपने घर परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में भी उच्च अधिकारियों से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जितने भी लोग सरकार से रिलेटेड हैं या कोई इनका सरकारी काम है उसमें भी इनको ज़रूर आज सक्सेस मिलेगी, इनके काम ज़रूर पूरे होंगे और हम ये भी देखते हैं कि इनको हर तरफ से जो भी ये आज प्लानिंग करेंगे उनको इनसे लाभ मिलेगा। इससे जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं आज आप ज़रूर कीजिए, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भगवान का भी आपके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद है और आप में जो एक पूरा काम करने की आपके अंदर जो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहेगी। अच्छी डिसीशंस अपने फ्यूचर के लिए लेने के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका रंग हम देखते हैं वो है ब्राउन एंड ग्रीन और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। आज आप गर्म मसाले का दान कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। तो नंबर 6 के जातकों के लिए आज का दिन उनके लिए काफी कुछ लेकर आया। कार्यक्षेत्र में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर आपके काम से खुश होंगे, आपके बॉस भी आपके काम से खुश होंगे और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमने अभी तक 6 नंबरों का जिक्र किया, 6 नंबर के जातकों तक हमने बताया कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 की। मैम नंबर 7 के जातकों के लिए आज का आज क्या कह रहे हैं। नंबर 7 के जातकों के लिए हम देखते हैं कि काफी इनको टेंशन भी है, थोड़ी सी मेहनत भी बहुत ज्यादा इनके लिए हो रही है और हर तरफ से इनको जो प्रॉब्लम्स जरूर दिखाई दे रही हैं, मगर हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इनका भगवान का इनके ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद भी है और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप एकदम संयम से आप उसको डील कीजिए, अपने अंदर की जो अग्रेशन है उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिए। और इसलिए हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप आज से केसर युक्त जल तुलसी जी पे डालना शुरू कर देंगे उससे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको अनदेखा कीजिए। हर बात का इतना ज़्यादा मतलब निकालना, हर बात को इतना ज़्यादा खींचने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। छोटी मोटी बातें जो होती हैं उनको जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता चला जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप 7 दफा गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम को करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी और अपनी जो भी लाइफ है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप बहुत शांति से उनको डील करने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो रंग है वो देखते हैं वो है मजेंटा और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। तो नंबर 7 के जातक जो है वो अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, आप एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, आपको अपना एग्रेशन जो है वो त्यागना है, आपका जो दिन है वो
कुल मिलाकर उथल पुथल वाला रहने वाला है, यानी कि मिला जुला दिन आज आपका रहने वाला है। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो है आज मैम नंबर आठ के जातकों के लिए आज का आज क्या कह रहे हैं। नंबर आठ के जातक हम देखते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, और जिन लोगों के बच्चों की का विवाह नहीं हुआ तो उनको आज बहुत ही अच्छा विवाह का प्रस्ताव आएगा। इससे जो भी प्रस्ताव आए उसको आप ध्यान से देखिए, उसका कुंडली मिलान कीजिए और जरूर अगली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी आज प्रस्ताव आपके लिए आएगा या आपके घर में आपके बच्चों के लिए आएगा वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी माता जी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए बहुत जरूरी है आप कुछ समय उनके साथ जरूर गुजारें, और आज के दिन घर से निकलने से पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद घर से लेकर ही निकले, फिर आप देखें आपका सारे काम होंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग जिनके यहाँ माता जी उनके पास नहीं रहती, तो जरूरी ये है कि दुर्गा माँ के सामने आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके निकले, फिर आप देखें आपके हर काम जरूर होंगे। आपका रंग जो है वो है पर्पल और आपका जो अंक है वो है नंबर चार। तो नंबर आठ के जातकों को खास तौर पर अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो फोन करके अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में जरूर जानें, उनसे जरूर पूछें, अगर आप अपनी माँ के नजदीक रह रहे हैं तो उनकी हेल्थ का जरूर ख्याल करें। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो है नो मैम नंबर नौ के लिए आज का आज क्या बता रहे हैं। नंबर नौ के लिए हम देखते हैं कि इनको कहीं ना कहीं निवेश करना है, और उसके लिए हम देखते हैं जो भी ये निवेश करेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलने वाला है। इनके ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद है, और इनके जो भी सामने इनके प्रपोजल्स आ रहे हैं निवेश के लिए वो भी बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेंगे। इसलिए आज का दिन निवेश कीजिए, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में, जिस चीज में भी आप निवेश करना चाहते हैं जरूर आज कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपको बहुत ज्यादा जहां भी निवेश करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर आज कीजिए, और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर आप आज थोड़ा सा गुड़ और चने का दान करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आपका रंग जो है वो है ऑरेंज और आपका जो अंक है वो है नंबर एक। तो नंबर नौ के जातकों के लिए आज का दिन जो है वो खर्चे से भरा रह सकता है, आप कहीं ना कहीं निवेश करने वाले हैं, लेकिन निवेश जो आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, भविष्य में आपको इस निवेश से फायदा होने वाला, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाली है। मैम बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो किस्मत कनेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।